calling to say I. So hey guys, welcome back to my another video. तो आज हम खेल रहे हैं Clash of Clans. तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को. तो यहाँ पे मैं अपने क्लैन के अंदर बहुत देर बाद आया हूँ, इसलिए ये यहाँ पे आ गए. तो अभी हाँ, मैंने ये अपना नया वाला क्लैन ज्वाइन किया है. जो मेरा पिछला क्लैन था वो मैंने अपने ब्रदर्स के साथ बनाया था, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ. उन्होंने भी अब क्लैश ऑफ क्लैन छोड़ दी और किसी और को अपनी लीडरशिप दी थी, जिसके कारण उन्होंने फिर मुझे क्लैन से निकाल दिया, क्योंकि मैं ऑफलाइन बहुत ज़्यादा था. तो आज मैं आपको अपने सारे क्लैश ऑफ क्लैंस के अंदर जितना भी मेरा सामान है वो दिखाने जा रहा हूँ. तो हाँ, मेरा टाउन हॉल है ऑलमोस्ट 11 to 12 का. तो अब आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर और मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाऊँगा. तो अभी यहाँ पे ये गिफ्ट वाला भी है, इसको भी ट्राई करते हैं. हाँ चलो ओके, हम ये गिफ्ट्स को ट्राई करते हैं. यहाँ पे प्लेयर है, तो प्ले के अंदर क्या है? ओह, हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें दी हैं मुझे. इनकी कई चीज़ें पता है, सारी नहीं. मुझे इसका किंग पता है, आर्चर पता है, विजर्ड पता है, और एक नया स्पीयर वाला आया वो भी पता है. ये तो बॉम्बर है, ये पहले भी था. और ये आग फेंकने वाला विजर्ड, ये भी पहले था. उसके बाद ये माइनर नया आया, ये मुझे पता था. और ये आइस गोलम भी आया, ये मुझे पता था. बाकी की जो नई चीज़ें हैं वो नहीं मुझे पता. ओके, इनको हम डिप्लॉय कर देती हैं सबसे पहले. और फ्रीज वाला अपना पोशन फेंक देती हैं. ओके, और इनको ये रेज दे देते हैं. ये रेज वाला ही है, पता नहीं कौन सा, अब मुझे याद नहीं है. एक रेज वाला होता था पोशन, जिसके अंदर हमारे जो करेक्टर्स हैं वो रेज में आके सबको मारते थे. हाँ, ये रेज वाला ही है. वो देखो किंग को, ये अबिलिटीज अपने खुद यूज़ कर रहे हैं. ओके, मुझे अभी तक सबकी अबिलिटीज़ याद नहीं है. मुझे इतना याद है जो ये वोट उड़ने वाला है, शायद इसकी अबिलिटी से सबकी हलजाम हो जाती है, पता नहीं, अभी देखते हैं. हाँ, सबकी हलजाम होगी, आगे कम नहीं हो रही है. किंग की भी जाम होगी जितने भी इसके एरिया में, और हील हो रहे हैं वो साथ में. वाह, ये तो अच्छी बात है. ओके, अब हम आगे चलते हैं. तो गाइस, आप वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, तभी आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या क्या हुआ है. और अगर आपको ऐसे ही क्लैश ऑफ क्लैन या फिर अलग अलग गेम की वीडियोस चाहिए तो आप वीडियो को कमेंट करके बता सकते हो वीडियो पे. तो हाँ, ये है मेरी क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियो पार्ट वन. इसके बाद मैं पार्ट टू लाऊँगा. और अगर पार्ट वन और पार्ट टू पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ या फिर लाइक्स और कमेंट्स आ गए तो मैं इसके आगे भी वीडियोस लाऊंगा. अमंगस पे इतनी अच्छी रेटिंग नहीं आई है, तो शायद मैं अमंगस की नहीं, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अमंगस की शायद मैं नहीं लाऊंगा. ओके, इनबॉक्स के अंदर हमें कई लोगों ने निकाल के रखा है, क्योंकि मैं खेलता ही नहीं था इतने दिनों की ये क्लैश ऑफ क्लैंस. ओके, सो ये है मेरा दूसरा वाला विलेज. जिन लोगों को नहीं पता कि मैं इसके पहले का भी खेल रहा हूँ और बाद में भी, जब ये रिलीज़ हुई थी मैं तब का इसको खेल रहा हूँ, और बीच बीच में मैंने छोड़ दी थी अपने टाउन हॉल को अपग्रेड पे लगा के. तो ये है मेरा दूसरा वाला विलेज. यहाँ पे एक और विलेज होता है जो मुझे अभी एक्सेस करना नहीं आता. मैंने उसके अंदर अभी जो उसके पर्पल वाले एलेक्सर हैं वो कलेक्ट किए थे, तो मुझे अभी यूज़ करना नहीं आता पूरी तरीके से. पता नहीं उसके अंदर कैसे जाते हैं. तो अब हम इसकी भी एक फ़ाइट करेंगे, और जो मेरी दूसरी टीम है उसके साथ भी हम फाइट करेंगे. तो या हमारे पास अभी बहुत सारी टीम्स हैं, हम सबके अंदर फाइट करेंगे और बूम बाम कर देंगे. तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट जरूर करना और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना. Calling to say I
say I. तो गाइस हमने 73% इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब अब 76 हो गया। तो अभी तक हमारे पास एक ही स्टार है, मेरे ख्याल से अभी तक दो होने चाहिए, पर अगर हम पूरा टाउन हॉल डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमें एक स्टार और मिलेगा। मतलब अगर हम बाकी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करेंगे तब जाके हमें एक और स्टार मिलेगा, और एक स्टार टाउन हॉल का। टाउन हॉल तो हम ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, और अब हमारा पेटा ही बचा यार। इन्फर्नो मैन जो है, ये इन्फर्नो टावर, ये बहुत ज़्यादा देता है हमें डैमेज। ओके, हमने टाउन हॉल अभी तक नहीं तोड़ा था, बाकी सारी चीज़ें तोड़ चुके हैं। वाओ, अब हम अपने बेस पे चलते हैं। तो अब हम गोल्ड लीग 3 में आ चुके हैं। ओके, दिसंबर सीज़न इज़ हेयर। हाँ, इसका मुझे पता है, अगर आप सारी चीज़ें क्लियर कर दो तो हमें रिवार्ड्स मिलते हैं। अगर हम इसका प्रीमियम पास लें तो कोई ना कोई स्किन मिलती है। तो मैं इसके अंदर तो अभी प्रीमियम पास नहीं लूँगा, क्योंकि मैं क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियोस तभी लाऊँगा अगर आप इसके ऊपर कमेंट करोगे। और हम इस वीडियो का गोल रखते हैं 500 व्यूज़, और कम से कम 30 कमेंट्स, और साथ में 50 लाइक्स का। मुझे पता आप इसको कम्प्लीट कर सकते हो, पर बाकी तो आपकी मर्जी है। चलो 50 लाइक्स रहन दो आप, 30 लाइक्स का मैं इसके ऊपर रखता हूँ। अगर 30 लाइक्स भी नहीं मुझे लगता हो पाएंगे, क्योंकि अभी तो व्यूज़ ही बहुत कभी कम आ रहे हैं और लाइक्स भी। तो अभी मैं रखूँगा 20 लाइक्स का, ये आप कर सकते हो। अगर मेरे पास 500 व्यू आ गए तब भी मैं ले आऊँगा, और 30 कमेंट या फिर 20 कमेंट आ गए तब भी। तो अब आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, तब भी आपको पूरा पता चलेगा। तो आप गाइस अगर तब अगर वीडियो देख रहे हो तो आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, तो अभी तक क्या किया है बताओ ना, क्या किया है? जहाँ पे अब आप सब्सक्राइब वाला बटन है, कहीं होगा ग्रे होगा, कहीं होगा रेड, जिन्होंने अपडेट नहीं किया यूट्यूब को, आप उसके पास जाके उसको चप्पल मार के या फिर मुक्का मार के किसी तरीके से उसको आप, कई में वाइट हो जाएगा, कई में ग्रे हो जाएगा, जो करना है कर दो उसके साथ। और साथ में लाइक वाले बटन पे भी क्लिक कर दो और उसको ब्लू कर दो। और साथ में अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो आप शेयर भी करके आओ फटाफट अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बस सब्सक्राइब और लाइक किसी तरीके ऑन हो जाने चाहिए, चाहे जो मर्जी कर लो, चाहे चप्पल भी मार दो उसके। तो हाँ भाई, ये कौन सा आँख फेंकने वाला नया, इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता। ये शायद मेरे टाउन हॉल पे भी लगा है, पर हाँ मुझे इसका नाम नहीं पता क्या है। ओके, वो जीत चुका है, पर उसने भी हमारा टाउन हॉल इतना ज़्यादा तोड़ा नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ओर, जो दूसरा टाउन हॉल है, और अब हम गिफ्ट वाले सारे ट्राई करते हैं। ओके, तो ये 3 स्टार 6 स्टार 9 स्टार, मुझे लगता है हमें इनको ओपन करने के लिए इतने स्टार लाने होंगे। मतलब इसके ऊपर अगर हम 2 स्टार ले आए तो हमारा नेक्स्ट वाला ओपन हो जाएगा। ओके, तो अभी हम इसको करके देखते हैं इसके अंदर ये पता नहीं क्या है, इसको ट्राई करके देखो ये करता क्या असल में, करती है पता नहीं करता है। भाई ये होग राइडर है, आई थिंक सो ये होग राइडर है, क्योंकि वो ही ऐसे जंप करके जा सकते हैं, पर ये तो थोड़े से गर्लिश टाइप हैं, तो पता नहीं ये कौन है, होग राइडर पता लगे या फिर ये होगी राइडर हो, लोल ये पता नहीं क्या है। ये स्पीयर वाला मुझे पता है, अगर हम इसकी एबिलिटी एक्टिवेट करें तो ये स्पीयर मार के जितनी भी लाइन में चीज़ें आएगा उसको तोड़ देगा। और अगर आर्चर को हम एक्टिवेट करेंगे तो आर्चर अपने जो आर्चर वाले मिनियंस हैं वो एक्टिवेट करके इनविजिबल हो जाएगा खुद। और दूसरा है हमारा गोलम, ये पता नहीं कहाँ से आ गया उड़ता उड़ता, शायद ये आर्चर या फिर दूसरे वाले का पेट है। हाँ वहाँ पे पेट वाला है, मुझे इनकी ऑलमोस्ट चीज़ें पता है पर मैं इनको यूज़ नहीं करता हूँ।
ओके, उसके पेट ने उसको मार दिया और वो आगे की तरफ आ गया। वाह, ये तो खुदाई भी कर सकता है, इसको माइनक्राफ्ट के अंदर माइनर होना चाहिए। तो अब हम आगे की चीज़ें तोड़ेंगे। यहाँ पे भाई ये कितनी तेज़ मार रहे हैं एरोज, इसका मुझे नाम नहीं पता। भाई साहब साथ में आ गए इन्फर्नो टावर दो दो। अगर हम शुरुआत में इन्फर्नो टावर तोड़ देते तो आसान ही हो जाता, पर अब तो नहीं कर पाएंगे। तो अब ये जो है इन्फर्नो टावर, ये भी बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं, अगर दोनों एक्टिवेट हो जाए तो भाई खतरनाक। ये देखो इनकी ये पावर है। ओके, ये मेरा आउल भी आ गया, इसने मुझे इनविंसिबल कर दिया। ओके, ये भी गया, वाह। ओके, ये लास्ट बचा था टावर शायद से, और वो सेंटर वाला इनका जो जिससे हम रिक्वेस्ट मांगते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन है, पर हम ये वाला करके आएंगे पहले। तो हाँ, इसके बाद हम आगे की चीज़ें ट्राई करेंगे। ये कौन सा पोशन है इसके बारे में नहीं मुझे पता, और साथ में हम बाकी की चीज़ें भी ट्राई करेंगे। ये तो शुरू में ही आ गए थे। भाई सब इनकी कितनी ख़तरनाक स्किन्स हैं, ये शायद नहीं आई है। ये साथ में यहाँ पे वाइट वाइट क्या हो गया था वो मुझे पता नहीं, और ये जो उसके हैं वो पता नहीं क्या है, पता नहीं। अब ये कौन सी चीज़ें हैं, ये जो कोई जादू टोना करने वाली लगती है, लोल। तो अब हमारे जो क्या कहते हैं बूढ़े बाबा जी है, इनको बूढ़े बाबा जी कहेंगे, ये बहुत ज़्यादा बूढ़े, इनकी दाढ़ी आई हुई है, उनकी पावर यूज़ कर दी है। और अब हम आइस वाला फेंकेंगे। भाई ये कौन सा पर्पल जो फेंक रहा उधर हमारे किंग के ऊपर, ओपी, ये कोई नई चीज़ ही है। ओके, ये भागा भागा स्पीयर वाला आ रहा है, इसका मुझे नाम नहीं पता। तो आर्चर वाले की भी पावर यूज़ कर देते हैं, और अभी 2 मिनट और 10 सेकंड पड़े हैं, 10 इसलिए क्योंकि वो पहले कम थे, मतलब ज़्यादा से। ओ भाई ये कौन सा टाउन हॉल है, हमें खुद डैमेज दे पा रहा है। मेरा टाउन हॉल 12 है, शायद टाउन हॉल 13-15 का होगा शायद। 13-15 मतलब ऐसे नहीं कोई मूवी हो, 13-15 मतलब जैसे टाउन हॉल 13 या फिर 15, आप समझ ही गए होंगे मैं खुद पागल बन रहा हूँ। ये आर्चर के साथ उसका पैगासस भाग रहा है, वाह। ओके, यही बचा है, इसको भी उड़ा देंगे बूम करके, बूम बूम बूम। और साथ में अभी तक टाइम चल रहा है, पर हमारे सारे करेक्टर्स तो मर चुके हैं, पता नहीं ये किसकी वेट कर रहे हैं। चेक करो कोई बचा तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो कोई बचा भी है, नो। तो शायद एंड बैटल करने में ही अच्छा रहेगा, हाँ एंड बैटल ही कर देती हैं, पर फिर भी एक बार चेक करने में क्या हर्ज जा रहा है। यहाँ पे तो कोई नहीं, अगर होता तो वो चीज़ें तोड़ रहा होता अभी। ओके, तो एंड ही कर देती हैं, 34% हुआ था वो भी मुश्किल से। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, और मैं ऐसे कई 10 वीडियो के साथ आपको मिलूंगा। टिल देन पीस आउट। I'm just calling to say I bye bye, tata, goodbye.